ऑडिट 3 4 असाइन किए, बट स्टॉक ऑडिट में क्या क्या करना है पता नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, वर्क पेपर कैसे बनाऊं, क्या कवरेज लूं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाऊं, पता नहीं। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट सीए राहुल बजाज। जब 31 मार्च आता है तो आप सब लोग स्टॉक काउंट तो ये करने के लिए, स्टॉक काउंट के लिए आप निकल तो जाते हो, बट स्टॉक काउंट का प्रिपरेशन क्या चाहिए, होमवर्क क्या करना चाहिए, वहां क्लाइंट प्लेस पे जाने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। पहले सबसे पहले क्लाइंट के ऑथोराइज पर्सन से आप इन्वेंट्री का लिस्ट ले लीजिए। यहाँ पे ये मेरा एक स्टैंडर्ड वर्क पेपर है जहाँ पे मैंने वर्क डन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन डिराइव किया है। मेरा टेस्टिंग थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है बेस्ड ऑन द क्लाइंट। टेस्टिंग थ्रेशोल्ड के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए। वर्क डन के लिए वी हैव ऑब्टेंड लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम क्लाइंट। ऑथोराइज पर्सन से आपको इन्वेंट्री का लिस्ट लेना है। बाद में जो इन्वेंट्री का लिस्ट मिला है उस दिन के ट्रायल बैलेंस से टैली करना। बहुत बार क्लाइंट ऐसा होता है कि क्लाइंट 31 मार्च को एज ऑन द डेट का टीबी डाउनलोड करके नहीं देता है। इन दैट केस आपको क्या करना है कि क्लाइंट को बोलना है कि स्टॉक का आप जीएल खोलो पूरा और उसका स्क्रीनशॉट दे दो। वो स्क्रीनशॉट को आपको आपके टोटल इन्वेंट्री के लिस्ट से मैच करना है। फिर इन्वेंट्री को आप रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग, फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब कैटेगरी में बायफर्केट करके ले, या ये लिस्ट आप क्लाइंट से ले ले। फिर आप आपका सिलेक्शन क्लाइंट क्राइटेरिया करें, जैसे कि सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाई वैल्यू आइटम, रिस्क प्रोन आइटम्स, एजिंग एंड स्लो मूविंग आइटम। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस भी आपको पता चलेगा, या फिर आप लास्ट ईयर के वर्क पेपर रिव्यू करोगे तो भी समझेगा, या कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर है आपके ही, कोई टीम मेंबर ने लास्ट टाइम इसका ऑडिट किया है तो आप उससे पूछ के ये चीजें होमवर्क में कर सकते हो। फिर इन्वेंट्री को अपने कवरेज के लिए हाई से लो कर लो, फिर रिस्क प्रोन आइटम्स ऐड कर लो, स्लो मूविंग ऐड कर लो, एजिंग जो पुराना स्टॉक है उसको कर लो। तो जो एजिंग वाला स्टॉक है आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कंडीशन सही है नहीं है, यूजफुल है नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। इन्वेंट्री का आप काउंट चालू करते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, तो इंश्योर करना कि आप क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दे कि एडवांस में कि देर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन द फ्लोर और इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब बाहर से कोई गुड्स ना आए, या फिर इंटरनली भी एक फ्लोर से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को मूव ना करे। सो एडवांस में आप जब मेल करोगे क्लाइंट को तो एक मेल कर देना कि आप पहले क्लाइंट से स्टॉक काउंट का डेट फाइनल कर लो। अगर स्टॉक काउंट का डेट आपका वही है, ईयर एंड का डेट है 31, तो ओके, नहीं तो क्या प्रोसीजर करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। स्टॉक काउंट का जब आप मेल करते हो तो बता दीजिए कि आप पहले एक तो अंडरस्टैंड करिए कि क्लाइंट के कितने लोकेशन है, स्टॉक कितना पड़ा है, कौन से लोकेशन पे कितना वॉल्यूम है, तो आप आपका टीम वैसे प्लान कीजिए। और जब मेल लिखते हो तो उसमें लिख दीजिए कि आप स्टॉक का मूवमेंट ना करें, कि 31 है तो नो मूवमेंट ऑफ स्टॉक शुड बी डन ऑन 31, ऐसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कम्युनिकेट, अगर वहां पे कुछ डेविएट होता है तो आपको उसको फैक्टर इन करना है, वो कैसे ट्रेस करेंगे ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग, फिनिश्ड गुड्स और कंज्यूमेबल में बायफर्केट कर लिया। टोटल मैंने बेस्ड ऑन माय टेस्टिंग थ्रेशोल्ड सैंपल निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक जगह रखी है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए एसएपी का या कोई अकाउंटिंग सिस्टम का, वहां पे इन्वेंट्री डिटेल्स इससे मैच होनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री टीबी से ही मैच नहीं है तो आपको कंप्लीटनेस एंश्योर ही नहीं होगा। अब जो सैंपल वेरिफिकेशन है, मेरा ओवरऑल कवरेज 66.32% आया है। ये अब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन का शीट यहाँ पे लगा दिया। अब टोटल लिस्ट जो है मेरी, यहाँ पे मैंने ये आइटम नंबर सैंपल्स, तो सैंपल का मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर ये आ रहा है तो मैंने यस कर लिया या फिर इसमें नो कर दिया, यस और नो बेसिस पे। डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, साइट है कहाँ पे, लोकेशन है, प्रोडक्ट स्टेज है, रिमार्क्स है, रॉ मटेरियल है, क्या क्या है, क्वांटिटी है और उसका वैल्यू। वैल्यू लेना जरूरी है क्योंकि बेस्ड ऑन क्वांटिटी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज्यादा भी रही और उसका वैल्यू कम रहेगा और वो नंबर आपके ऑडिट प्रोस्पेक्टिव इमटेरियल रहेगा तो आप उसको वेरीफाई करके कोई मतलब नहीं आएगा। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप वैल्यू जो ले रहे हो, स्टॉक का जो कॉस्ट ले रहे हो वो ले लो, और हाई वैल्यू बेस्ड ऑन आवर सिंपल एजिंग वाला स्टॉक या फिर प्रो रिस्क प्रोन एरिया वाला स्टॉक उसको आप वहां पे एनालाइज कर, फिर इसको यहीं पे समराइज कर लो, ये रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग, फिनिश गुड, रिटर्न ये, और आप आपके टीम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी है, उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। तो पहले हम लोग एक चेक कर ले कि इन्वेंट्री का अलग जीएल मेंटेन किया है क्या थर्ड पार्टी के लिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में कौन सा ऐसे स्टॉक है जो थर्ड पार्टी के, उसको समराइज कर ले।
पार्टी वाइज एक लिस्ट मांग ले कि कौन से पार्टी के पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी लिस्ट है, और आप फिर उनके पास से कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि यू रिक्वेस्ट योर क्लाइंट, क्लाइंट को बोलना कि मुझे ये थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन चाहिए, तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऐसा देगा कि दिस इज टू कंफर्म बिलो स्टॉक इज ओन बाय यू एंड इज लाइंग विद अस एट दिस दिस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट, सप्लायर का नाम, पार्ट और टोटल टोटल क्वांटिटी उनको इतना मिला था, यह मिला था और अभी पेंडिंग क्वांटिटी इतना, ये आप आपके स्टॉक रिकॉर्ड से मैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख लो कि सीरियल नंबर, पार्टी का नाम, पार्ट नंबर्स या प्रोडक्ट नंबर, डिलीवरी चालान, टोटल क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी, पेंडिंग क्वांटिटी, तो ये लिस्ट वैल्यू है। और यहाँ पे भी आप टोटल अमाउंट ले लो, यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम ऐड कर दिया, तो आप ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू कंफर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा क्या प्रोसीजर है, एक तो आप खुद चले जाइए थर्ड पार्टी पे, वहां पे चेक कीजिए, या फिर किसी और ऑडिटर को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उनके ऑडिटर है, आप कर लो, या वो ऑडिटर से कंफर्ट ले लीजिए कि ये जो क्लाइंट है, इन्होंने जो इन्वेंट्री काउंट का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इस पे प्रॉपर कंट्रोल एंड ऑल है, एंड देन यू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम दैट पार्टी। अब इसके बाद होता है फिजिकल वेरिफिकेशन नॉट अटेंडेड। कभी कभी ऐसे होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन, एनी रीजन, इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट द क्लाइंट प्लेस एंड डू अ स्टॉक काउंट, देन हाउ यू विल इंश्योर दैट स्टॉक इज लाइंग विद द इन्वेंट्री। या कोई लोकेशन है, छोटा लोकेशन है, वहां पे आपने स्टॉक काउंट नहीं किया, एक कंपनी है 10 लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है और कुछ एक छोटा लोकेशन पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, जो स्टॉक काउंट की डेट है उसके पहले के परचेस और सेल्स के रिकॉर्ड देख लो, या परचेस के रिकॉर्ड देख लो, बाद में के सेल्स के रिकॉर्ड देख लो। ठीक है, तो जो परचेस है वो इन्वेंट्री में आएगा और जो सेल्स है बाद में अल्टीमेटली कलेक्शन आएगा। अगर सेल्स का कलेक्शन बैंक अकाउंट में आ रहा है तो समहाउ यू आर गेटिंग कंफर्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट। तो अभी इसको कैसे देख सकते हैं, देखो परचेस प्रायर टू इन्वेंट्री काउंट डेट, आपने क्या क्या परचेस किया है, आप क्लाइंट ने सीरियल नंबर कौन से पार्टी से, क्या पीओ, डिलीवरी चैलेंज है, गेट इनवर्ड है, इनवॉइस है, ई वे बिल है, आजकल जीएसटी की वजह से ई वे बिल, ई इनवॉइस के डिटेल्स अवेलेबल है, तो वो आपको एडिशनल कंफर्ट दे देगी कि हाँ ये जेन्युइनली ट्रांजेक्शन हुआ है एंड दैट इज देयर। सेल्स आफ्टर, ठीक है, जब स्टॉक काउंट हो गया उसके बाद का सेल्स देख लो, जो इन्वेंट्री पड़ी है उतनी बिक गई है क्या, या उसमें से कितना पोर्शन बिका है। अब इसमें एक है कि आप अपार्ट फ्रॉम जीएसटी रिकॉर्ड्स या डिलीवरी चैनल, सेल्स ऑर्डर नंबर, इनवॉइस, ईवे बिल, ई इनवॉइस, आप सब्सिक्वेंट कलेक्शन इसमें थोड़ा सा चेक कर लो सैंपल बेसिस पे, बेस्ड ऑन योर सैम्पलिंग क्राइटेरिया। जब आप वो चेक करोगे तो कलेक्शन आ रहा है, मतलब एक्चुअल सेल्स हुआ है। यहाँ पे मैं करेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन इम्पॉसिबल है अटेंड करना, कोविड का टाइम चल रहा था, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर नहीं पाए, तब ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर आप कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज आपको जाने में खर्चा आ रहा है या यू आर अवॉइडिंग इट, सो दैट इज नॉट राइट वे टू डील। क्या हुआ, नेक्स्ट सिनारियो ऐसा है कि आपको 4-5 स्टॉक ऑडिट या स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना है, बट आप 31st को 4-5 जगह तो जा नहीं पाओगे, करेक्ट। तो जब आप 31st को जा नहीं पाओगे तो आप क्या करना चाहिए कि रोल फॉरवर्ड या रोल बैकवर्ड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो नॉर्मल फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी डेट पे कर रहे हो, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, उसके बाद रोल फॉरवर्ड एक्टिविटी, मतलब आपने 28 तारीख को स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया, इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 28 मार्च 2022 को हो गया, तो उसके बाद जो परचेस हुए वो ऐड कीजिए, सेल्स है जो माइनस कीजिए, और कोई एडजस्टमेंट है तो वो करिए, और इन्वेंट्री 31 मार्च की निकालिए, कंपेयर कीजिए ये आपके ट्रायल बैलेंस वाले इन्वेंट्री से, कोई डेविएशन आता है तो रीजन पूछिए, नहीं तो वो डेविएशन को फैक्टर इन करवाइए। वैसे ही रोल बैकवर्ड एक्टिविटी, मतलब आपने 31 मार्च के जगह 2 अप्रैल को आपने ऑडिट कर लिया, तो क्या करोगे, सब्सिक्वेंट जो आपने परचेस किया है उसको लेस कर दोगे, जो सेल्स किया था उसको एड बैक कर दोगे, और आप 31 मार्च के इन्वेंट्री को आओगे। ये तो एक्सेल में आप ये एक्टिविटी कर लोगे बेस्ड ऑन आप गेट इन वर्ड है या इन्वेंट्री मूवमेंट है ये डिटेल्स से, बट इसको वैलिडेट भी करना है, जैसे सैंपल टेस्ट पे परचेस रिकॉर्ड सेम बेसिस पे जो अपन ने फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हुआ उसमें से आप 5 सैंपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल उसका इनवॉइस, गेट इनवर्ड, ईवे बिल, ई इनवॉइस, डिलीवरी चालान, पीओ, ये सब चेक कर लीजिए, सेल्स का रिकॉर्ड है वही सेम है, और सब्सिक्वेंट कलेक्शन वाला भी डिटेल्स आप चेक कर। अब इसके बाद है टेस्ट ऑफ काउंट्स। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरा इन्वेंट्री तो काउंट नहीं कर सकते, हम लोग सैंपलिंग मेथड यूज करते हैं, बट अपने को ये भी इवेल्युएट करना है कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस कर रहा है, मैनेजमेंट जो इन्वेंट्री काउंट कर रहा है,
ठीक है, वो सही तरीके से हो रहा है क्या, उस पर कंट्रोल है क्या नहीं। तो इसमें आप टेस्ट ऑफ काउंट कैसे कर सकते हो कि मैनेजमेंट ने कोई इन्वेंट्री गिन ली है तो आप जाइए उसको वापस से गिन लीजिए, ठीक है, या फिर कोई फ्लोर पे इन्वेंट्री है आप गिनके आ जाइए और मैनेजमेंट को पूछिए आपने कितना गिना था वो बताइए, तो ये आप चेक कर सकते हो। अब जैसे ही ये चेक करते हो, इसके बाद जैसे आपका इन्वेंट्री का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, जैसे इन्वेंट्री काउंट कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, मैनेजमेंट ने जो चेक किया है ना उसका पूरा डंप एक प्रिंट जो वेरिफिकेशन का शीट है वो ले लीजिए, उस पर स्टैंप लगवा लीजिए, उसमें काउंटिंग टीम के सिग्नेचर्स ले लीजिए, उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम से अकाउंट्स टीम का सिग्नेचर ले लीजिए और वो रिकॉर्ड जेरोक्स करके या फोटोकॉपी करके आपके पास रख लीजिए। तो जब कभी भी आप जब 2 महीने बाद ऑडिट करने जाओगे तो यू विल चेक द इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री इतना था और इन्होंने इतना दिखाया, देन यू कैन आस्क फॉर एनी डेविएशन, यू कैन आस्क फॉर द रैशनल। तो ये आप मैनेजमेंट काउंट टू फिजिकल रिकॉर्ड, इसमें 2 मेथड है हम लोग करेंगे कि मैनेजमेंट काउंट कि मैनेजमेंट ने ये आइटम इतना इतना गिना है, आप जाओ फिजिकली आप चेक कर लो इतना है, अगर मैनेजमेंट के और आपके इसमें डिफरेंस नहीं है तो मैनेजमेंट ने प्रॉपर कंट्रोल रखा है, ये आप समझ में आएगा। और ये है मैनेजमेंट काउंट टू फिजिकल रिकॉर्ड एंड दिस इज फिजिकल रिकॉर्ड टू मैनेजमेंट काउंट, मतलब आप कुछ गिन के आए और बाद में चेक कर रहे हो मैनेजमेंट ने कितना गिना है तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर डिफरेंस है सेम डे आप डिस्कस कीजिए मैनेजमेंट में, रिकाउंटिंग कर लीजिए, वापस से चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इंस्पेक्ट करते वक्त आप क्या करोगे कि इंस्पेक्ट मतलब क्वांटिटी गिनना है क्या, बस नहीं, क्वांटिटी से ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा, आपको चेक करना है डैमेज स्टॉक कितना है, एब्सोल्यूट इन्वेंटरी कितना है, एज इन्वेंटरी कैसे, कुछ डैमेज रहेगा कि गुड्स आए बट डैमेज कंडीशन में, नॉट सेलेबल, वो स्क्रैप के भाव ही बिकेंगे, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उसका एक समरी बनाना है और साइन ऑफ ले लेना है काउंटिंग टीम से कि हाँ भाई ये डैमेज था, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट या फिर एक्सपायर्ड स्टॉक है, कोई स्टॉक है उसका शेल्फ लाइफ है, पेंट होगा या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होंगे जिसका शेल्फ लाइफ है 3 महीने 6 महीने, तो आप देख लीजिए कि जो बन के तैयार है बट वो उसका एक्सपायरी डेट हो गया है तो वो क्या भाव बिकेगा, उसकी वैल्यूएशन क्या लेना है, तो वो आप एब्सोल्यूट डैमेज स्टॉक का एक समरी बनाइए, साइन ऑफ कर लीजिए, ये जब आप 2 महीने बाद ऑडिट करने जाओगे तब आपको वैल्यूएशन करते वक्त इसका काम आएगा। वैल्यूएशन का वर्क पेपर का भी वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कट ऑफ प्रोसीजर। जब हम लोगों ने मैनेजमेंट को बोल दिया था कि हम लोग स्टॉक काउंट करने के लिए आ रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, आप कोई भी डेटा स्टॉक मूव मत कीजिए, मतलब वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, वन रॉ मटेरियल सेक्शन से वर्क इन प्रोग्रेस सेक्शन में या फिर फिनिश्ड गुड में या फिर एनी एंट्री इनवर्ड एंट्री आउटवर्ड कुछ भी मत कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हो तो एडवांस में हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये हमारा प्रोडक्शन डेटा, ये गुड्स यहाँ पे रखे, इसको हमको मूव करना जरूरी है ड्यू टू सम रीजन, एंड उसको सेपरेटली आप वाउच कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। तो गेट इनवर्ड गेट आउटवर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब सेम डे का तो लेना ही है, उसके पहले के 2-3 दिन का भी ले लीजिए और बाद में का, तो जब कभी भी आपको इन्वेंट्री का डेविएशन आएगा और क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं ये गुड्स तब आया था, आप बता सकते हो ये मेरे पास गेट इनवर्ड है कहाँ पे आया था बताओ, सो दैट वे इट विल गिव यू एडिशनल एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। और अदर मैटर में आप ये भी देख सकते हो कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है इन्वेंट्री में, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वो हमने बात कर लिया, एडिक्वेट प्रोसीजर है क्या वहाँ पे मैनेजमेंट जो कर रहा है, या जो टाइम आप फिजिकल वेरिफिकेशन को दे रहे हो वो इनफ है क्या, या पूरा अकाउंट हो पा रहा है क्या, ये सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना। लेट समराइज कि हम लोग क्लाइंट विजिट पे जाते हैं जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, इन्वेंट्री का लिस्ट ले ले, चेक कर ले ट्रायल बैलेंस से, इन्वेंट्री मूवमेंट को रुका दे, कट ऑफ प्रोसीजर्स ले ले, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर ले, ऑब्जर्व करे, मैनेजमेंट जो कर रहा है वो चेक कर ले, उसको सैंपल चेक कर ले, थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन ले ले, हाई वैल्यू रिस्क प्रोन एरर, एरर जो है गुड्स इन ट्रांजिट है इसको हम लोग वेरीफाई करें। प्लान कैसे करना है, आपको ओवरऑल जो प्लानिंग करना है वो करना है कि लास्ट ईयर के स्टॉक टेक के वर्क पेपर्स ले लो, इश्यूज ऑब्जर्वेशन ले लो कि लास्ट टाइम क्लाइंट ने कैसा रिकॉर्ड मेंटेन किया था, पूरा टाइम दिया था क्या, काउंटिंग में क्या गड़बड़ होती है नहीं होती है, ये सब चीजों का कितना लोकेशन है, कितना अमाउंट का स्टॉक कौन से लोकेशन में, आप एक टीम साइज टीम मीटिंग बना लो, प्लानर टीम साइज के कितने लोग लगेंगे, क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दीजिए आपका शेड्यूल। इन्वेंट्री जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इसको एसए 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू सिलेक्टेड आइटम्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।